जी, ये आप शाह बेग में प्लॉट बेच रहे हैं R48? जी, आपको किसने बताया? भैया एक बंदा आया, पता नहीं नाम मैं भूल गया, उसने मुझे बताया था। तो ये क्या डिमांड है इसकी? बस सुहेल है वहाँ पे, वो अपना उनसे ही बात हुई थी मेरी, फैसल से। फैसल से उससे लिया था आपने? नहीं नहीं फैसल से मैंने कहा हुआ है, मैं बाबा बैठे हैं वहाँ पे एक। जी 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 आपकी किससे मुलाकात हुई है? सर ये प्लॉट ही मेरा है। जी ये प्लॉट है मेरा। कैसे आपका है भाई ये? ये आप बेच रहे हैं ना इसको? सर ये तकरीबन जो है 8-9 साल से मेरे पास है प्लॉट। हाँ 2012 में तो हमने लिया था, इसकी बाउंड्री वाल हुई थी, कमरा बनाया है उन्होंने बराबर में से, उन्होंने घुसे और कमरा बनाया है, सही है। और अभी आपका नंबर आया था, आप इसको बेच रहे हैं, तो मैंने बोला यार मैं आपको कॉल भी कर रहा था अपने दफ्तर से अभी, तो मैं नमाज का टाइम हो गया था, आपकी कॉल आ रही। सुने ये प्लॉट मेरे पास है, फैसल वहाँ पर है, बाबा बैठे हुए, और बराबर वाला प्लॉट भी जो है वो भी मेरा है। आपने किससे लिया था इसको? फाइल तो होगी ना आपके पास? बिल्कुल फाइल है मेरे पास। चले सही है, इसको देख लेते हैं, फाइल भी आपकी भी रख लेंगे और हमारी भी सामने रख लेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। जी जी आप आ जाइएगा, वहाँ पे अज़द भी हैं और अपना क्या कहते हैं शाहिद भी वहाँ पर होते हैं, अतीक भी होते हैं वहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरा भाई, कैसे हो, ठीक हो? खैरियत। और क्या हो रहा है यार, कल तक तो ये आपकी जगह थी, आप बेच रहे थे। ये मैं इस वक्त सेंसेस की ड्यूटी पर हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, सही है। अगर मेरा ना, मेरा ये जो आप प्लॉट नंबर भेज रहे हैं ना, ये मेरा नहीं है, मुझे देखे अपना प्लॉट नंबर याद नहीं था, फिर जब आपके कॉल के बाद मैंने निकाल के देखा ना, वो प्लॉट मेरा था ही, ठीक है? अच्छा अच्छा, तो मैंने बात सुने, ये जो आपको, अच्छा बात सुने, आपको प्लॉट नंबर याद नहीं था, बिल्कुल सही है, वैसे तो मैंने आपको बताया था 48 ना। अच्छा जो जो आपने बोला ना, ये बराबर में बना, उसके जरिए फिर मैंने ये बनाया, ये सारी चीजें, ये अपने प्लॉट की बात कर रहा था। बात तो सुने, जो आपने नंबर बताया ना, मुझे याद नहीं था नदीम भाई, उसी नंबर में बाबा बैठे हुए? उस वो बाबा मेरे प्लॉट पे नहीं बैठे हुए, उसी पे बैठे हुए बाबा को मैंने, बाबा नहीं, बाबा मेरे प्लॉट पे नहीं बैठे हुए, बाबा को वहाँ बिठाया हुआ है उस बंदे ने जिसका वो प्लॉट है। अच्छा, किसने? बाबा को अपने प्लॉट की बात की थी बेचने की। अच्छा वो R49 आपका है? जी मेरा R48 से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेरा प्लॉट नहीं है, और मैंने फिर कंपनी को आपका R49 है ना कंपनी, सही है। आप बात करें, मगर देखें वो प्लॉट जो आप कह रहे हैं ना अथेंटिक, अगर वो आपका है तो भाई वो आपका होगा, मेरा तो नहीं। मैं आपसे अब ये अर्ज कर रहा हूँ, पहले तो मैंने आपकी जो बात हुई थी, अब तो वो उल्टी हो गई है ना बात, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ नदीम भाई, R49 आपका है? मेरा प्लॉट नंबर जेहन में नहीं था मेरा। R49 आपका है? जी जी R48 मेरा है, सही है। R48 में बाबा बैठे हैं, ये आपका बंदा बैठा हुआ है? नहीं मेरा नहीं, वो बाबा बैठाया है। अच्छा पहले आपने कॉल पे बोला था बाबा बिठाया हुआ है मैंने। अरे वो बाबा बैठे में है, मगर बाबा मेरे प्लॉट में नहीं बैठे हैं। R49 आपका, तो बाबा को किसने बिठाया हुआ ये आप बता सकते हैं? ये जिनका वो प्लॉट है उन्होंने ही बिठाया हुआ है। तो कौन है? मुझे इतना पता कि अज़द होते हैं वहाँ पे। कौन सर? कोई अज़द है, अमजद को भी बुला लेंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ अज़द है, ठीक है। हाँ हाँ अमजद काला था जिसकी वेलफेयर बनी हुई थी सामने। अरे नहीं नहीं अमजद नहीं यार, असजद, ASJAD, असजद, असद, असजद। भाई आप मुझे नंबर सेंड कर दें नदीम साहब। सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, अनवर खान साहब बात कर रहे हैं? जी जी अनवर खान साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से? ठीक है सर, बेहतरीन, जबरदस्त। कौन साहब बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल में जुल्फिकार साहब बात कर रहे होंगे। नहीं नहीं अली राजपूत बात कर रहा हूँ, अली राजपूत। अली राजपूत जी जी, हुक्म करें। भाई हुकुम नहीं कर दी है कि सरकार, ये प्लाट का मसला चल रहा है संगानी टाउन में ना, सही, अज़द के साथ। अच्छा तो भाई पूछना चाह रहा था कि जहाँ अली, ये तो प्लाट बंदे ने लिया हुआ था और अभी सुनने में लिया हुआ। बात कर रहे हैं? मैं अली रजू बात कर रहा हूँ, मैं भी आपका पेटी भाई हूँ। कहाँ पे होते हैं आप? मैं भी आपका पेटी भाई हूँ। पेटी भाई मतलब? आप ताफक में रहते हैं ना? नहीं भाई, ताफक की दुनिया। नहीं नहीं अच्छा, आप कहाँ पे होते हैं? मैं तो अपना रोजनामा पाकिस्तान और अच्छा। अपना न्यू टेक अच्छा। हमारा अपना है। अच्छा प्रेस से ताल्लुक है आपका? जी सही, मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक है। जी 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 सही, आप और हम तो भाई हुए आपस में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोला यार मैं पूछता हूँ, मैं बात करता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे ऑफिस में बैठ नहीं, असल में ना सेटलमेंट कर। अली भाई नदीम साहब की दो बयान आते हैं, उनके सारी रिकॉर्डिंग वगैरह सेव हुई हुई है मेरे पास,
पहले वो प्लॉट बेच रहे थे, उन्होंने कमरा बनाया है, अभी 2 महीने हुए हैं। सही है, ठीक है। अब जेन्युइन फाइल है, मतलब मेरी चीज है ना, तो अब ये कैसे 2 नंबरिंग कर रहे हैं, अतीक और रहमान कर रहा है, इन लोगों का नाम इस्तेमाल करते है ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको ही जानता हूँ, उस मालिक का करम है ना। तो ये गलत बयानी उनको आप बोलते हो तो मैं आपके नंबर पे उनकी ऑडियो भी सेंड कर देता हूँ, दोनों तीनों। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा क्या सीन है। आप दूसरे बंदे का नाम ले रहे हैं, ये R48 नंबर मेरा है, ठीक है। R49 किसी का भी है मुझे नहीं पता। R48 की इन्होंने दीवार खड़ी कर दी सामने से, और अंदर से सुराख करके इन्होंने जो कमरा तैयार कर दिया नदीम साहब ने, सारा तरह करदा जो है ना नदीम साहब का है। अच्छा, हाँ। अब ये नाम इस्तेमाल कर रहे हैं फैसल साहब को, फैसल साहब सामने आए जो गली में ही रहते हैं, सही है। उसने नाम लिया शाहिद साहब का, शाहिद गैस वाले का, ठीक है। इसने नाम लिया, क्या नाम है वो नाम मुझे नहीं पता, सदीद सदाद ऐसी कोई नाम था, असजद का नाम लिया है। हाँ, असजद साहब की भी ना कोई कॉल आई ना कोई, मैंने अपना नंबर दे दिया था। तो आज मैं इंशाल्लाह मरदमशुमारी हो रही है तो यहाँ से फ्री हो गए, मैं जाऊँगा जुल्फिकार साहब के पास, जुल्फिकार साहब से फिर इंशाल्लाह फिर वहाँ पे प्लाट पर चक्कर लगाऊंगा। अच्छा, तो चलो अनवर भाई, ये मेरा नंबर अपने पास सेव कर लो, मैं भी सेव कर लेता हूँ। जी जी, हम लोगों को दूसरे से वास्ता तो रहेगा ही जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं 22 साल हो गए मुझे मीडिया में काम करते हुए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा चेहरा मेरे ये इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप पे भी है, तो आप देख लीजिएगा भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मीडिया मुझे जानती है और लीगल काम करता हूँ। हमारे भाइयों, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हो, माशाल्लाह। रफीक आजाद भी आपके आपके साथ रहे, जुनैद बगदादी भी आपके साथ रहे, आपको याद होगा। थैंक यू, थैंक यू। रफीक आजाद को आप जानते हैं, इवनिंग स्पेशल वाला, मॉर्निंग स्पेशल वाला, जिससे इंतकाल हो गया, वो मेरे चचा भी है, ठीक है। भाई भाई, और जुनैद बगदादी भाई है, लेकिन मेरा मीडिया का वीडियो का ताल्लुक काम है। हाँ बस बिल्कुल, वही मैं बात कर रहा हूँ ना, तो बस आप देख लो कोई भी अगर मामला है, आप अगर अपने कॉल करिए तो आप देख लो, उनको बोलो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लो, मैं भी रख लेता हूँ। आज बोलोगे आज रख लेते हैं, कल बोलो कल रख लेते हैं, सही है। मैंने तो नदीम साहब को भी बोला था, नदीम साहब प्यार मोहब्बत से अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता ना, ठीक है, वरना बिल्कुल सही बात है, सही बात है, प्यार मोहब्बत से टेबल टॉक हो जाएगी, वो ज्यादा बेहतर है। उनको यही कहा था, मगर उनकी ना बातें जो है ना गलत साबित हो गई सारी, सही। हाँ, नदीम साहब की सारी गलत साबित हो गई, और बाबा उसी मकान में बैठे हुए, मैं खुद अंदर जाके मैंने विजिट भी करी है, ड्रोन होता है ना ड्रोन, उसके मैंने वीडियो बनाई है, और खाली प्लाट की भी वीडियो पड़ी हुई है, मेरी चौकिंग हुई हुई थी, बाउंड्री वॉल हुआ हुआ था इसमें, सही, आगे पीछे कोई भी नहीं बना हुआ था, इन्होंने बराबर वाला बना के इसकी दीवार खड़ी करके अंदर कमरा तैयार कर लिया। अरे बाबा, और नीचे के ब्लॉक अलग ही नजर आएंगे मेरे लगे हुए नीचे, सही, बाउंड्री वॉल पे अली भाई, सही, ठीक है ना अली भाई, बाकी देख लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अलैकुम जी, अनवर भाई बात कर रहे हैं जी, भाई बोले, मैं अज्जत बात कर रहा हूँ, अली भाई की बात हुई थी आपसे, भाई मैं आपको अभी थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ आपके नंबर पे, रिकॉर्डिंग पर हूँ मैं, मेरा यही नंबर है भाई, इसी नंबर पे कर रहा हूँ मैं आपसे बात अभी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक हूँ सर, मसला ये है, मेरा हाथ आया हुआ मशीन में। अच्छा, अल्लाह पाक रहम करे भाई, 10 दिन हो गए मशीन में हाथ आया, रोज की पट्टी लगा रहे हैं, इसलिए ज्यादा बातचीत हो नहीं सकती सर। अच्छा, हाथ आया है ना, और तो कुछ नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, खाली हाथ आया, हमारी प्रेस की मशीन है डाई कटिंग की। अच्छा अच्छा, बाकी मैं आपको बता दूँ, ये नदीम साहब सही नहीं कर रहे, ये फैसल साहब का भी नाम लिया है उन्होंने, तुम्हारा भी नाम लिया है, ठीक है। हाँ, R48 की पूरी बकायदा मैंने इनको बोला भी है, R48 इनकी तमाम ऑडियो है, इनकी चार जबानें हो रही हैं, दो भी नहीं हो रही, चार जबानें हो रही हैं ना। अच्छा, और पहले बोल रहे थे क्या नाम है, नहीं भाई ये वो सारी चीजें, पहले इन्होंने दीवार लगाई R48 के सामने, अंदर से इन्होंने R49 के सुराख करके, R49 से घर के अंदर से सुराख करके इन्होंने R48 को बनाया है, सही है सर, मेरी बात, बाउंड्री वॉल बोले उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये जिस वक्त प्लाट लिया थे, ये R48 मैंने ही प्लाट लिया था, और उस वक्त बिल्कुल खाली जमीन थी भाईजान, मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें हैं, आपका कहाँ मुलाकात होगी हमारी, आपकी थाने में आ जाएंगे शाम में? अली भाई से बात हुई आपकी? अली भाई से बात हो गई, लेकिन ये भी लॉलीपॉप है, सही है, अली भाई से जैसी बात हुई है वैसी नदीम साहब बोल रहे हैं, क्या नाम है भाई, वो असजद साहब की बात हो गई आपकी। अच्छा, और हालांकि आपकी वो मेरी कोई बात ही नहीं हुई है, अभी हुई है। हाँ, नहीं हुई है, सही है। अभी मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं आपकी और मेरी मुलाकात, अभी आप बोल रहे हैं यार ये मैंने बनाया था जीरो से, अभी आप ये कह रहे हो ना,
और बाउंड्री वॉल हुई हुई थी, यहाँ तक के चौकिंग भी हुई हुई थी उसके ऊपर ना। मैं आपको ब्लॉक भी दिखा दूंगा, डॉक्यूमेंट्स लेके थाने आ जाना, और जो आपके पीछे बैठे हुए ना उनको भी लेके आ जाना। हमारे पीछे कोई नहीं है भाई, आपके पीछे जिन्होंने फैसल का भी नाम लिया था, इसने शायद का गैस वाले का भी नाम लिया था, इसने आपका भी नाम लिया था, ठीक है। शायद गैस वाला और अतीक और रहमान, इनसे तो हमने खरीदा था ये, सही है। इसने आपका भी नाम लिया था, फिर उसके बाद आपने आप आ गए, ये पीछे हो गया, तो आप जो है आप खुद आ जाइएगा, कोई मसला थोड़ी है। और मैं आपको पहले बता दूं, लोगों से खरीदा था। हाँ सर, वो मैंने आपको सेंड कर दी। अच्छा, वो तस्वीरें वगैरह भी सेंड कर दी मैंने, जो ये बाबा बिठाए हुए ना इसने, जी जी जी, वो भी मैंने सेंड कर दिया। और फैसल साहब का भी चेहरा है वह जो गली में रहते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको इस नंबर पर सेंड कर दिया, मतलब आपके नॉलेज में होना चाहिए। चले बॉस, अच्छा वो गेट जो है ना, एक तस्वीर होगी इसमें गेट लगा हुआ है ना, ये गेट इनका लगा हुआ है, नदीम साहब ने लगाया हुआ। इधर जो है ना दीवार खड़ी कर दी थी इसने। अच्छा हाँ, दीवार खड़ी करके, और ये जो मैंने आपको एक दीवार की तस्वीर दी हुई है जो अंदर से टूटी हुई है, ठीक है, वो वहाँ से इन्होंने सुराख करके ये बनाया है एक कमरा। बड़े मास्टर माइंड है भाई, इसका मतलब है कि आप अपनी जगह पे राइट पे हो, यही गलत है। बिल्कुल सर, वो ऑडियो भी मैं आप जिसको बताएंगे बीच में डाल के मेरी इज्जत को खराब कर रहे हैं। नहीं नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बॉस आप हमारे पेटी भाई हैं, आपकी इज्जत खराब नहीं होगी, जो हुकुम हो आप बताइएगा, हम आपके साथ हैं। अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन आमीन भाई। और आई आई चुंदी रोड पे जो आपका दफ्तर है ना, वहीं मिल लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अनवर साहब बात कर रहे हैं जी? भाई कौन? परवेज मैगानी बात कर रहा हूँ, ग्रुप एडिटर हूँ मैं, चार अखबार का डेली स्पेशल न्यूज है, डेली न्यूज रिपोर्टर। अच्छा, कौमी साफ़त हमारे कराची। आपका समान है उसे आप? जी भाई तमाम है, आपके बराबर में मेरा ऑफिस है सनी प्लाजा पे। अच्छा, तो आओ ना अनवर भाई, जरा ऑफिस पे आओ ना, जरा काम से आया, आपसे बैठ के चाय पीनी थी। चाय पीनी थी, अभी तो मैं आउटडोर रिकॉर्डिंग में नमाज के बाद निकलूंगा। तो खैरियत, किस काम से, किस हवाले से काम है आपको? यार कासिम के हवाले से काम है। किसके हवाले से? प्लॉट का सर, कासिम है ना, कोई प्लॉट का मसला है ना सरजानी का? कासिम वासिम नहीं है, सारे लॉलीपॉप है मेरे भाई, इनकी सबकी, हाँ सब लॉलीपॉप है, सब दो नंबर बंदे हैं, सबकी FIR है मेरे पास है। मेरे को 22 साल हो गए मीडिया में काम करते हुए, ठीक है। कितने साल हुए? मुझे 22 साल हो गए मीडिया में काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे जानते हो परवेज मैगानी को? पता नहीं, आप मेरे व्हाट्सएप पे मेरा चेहरा वेरा देख ले, मेरे तो नाम से जानता हूँ भाई, बाई फेस जानता हूँ, नाम से नहीं जानता। अच्छा, आप मुझे देखोगे पहचान जाओगे, ये आए थे मेरे पास, मैंने कहा चलो मैं बात करता हूँ बराबर में। नहीं नहीं, ये सबसे बात करा रहे हैं, ये अली साहब से प्रेस वाले से बात करा रहे हैं, कभी किस से बात करा रहे हैं भाई, मेरा प्रेस से ताल्लुक नहीं है, मेरा मीडिया का ताल्लुक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। सही है भाई, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा अखबार से ताल्लुक है भाई। सही है, आप से होता है? सही है। आपका कैमरा मैन हो वहाँ पे? जी भाई, DOP हूँ। DOP हो ना, मैं मैकानी बात कर रहा हूँ, पब्लिशर हूँ, चीफ एडिटर हूँ मेरे भाई। सही है, ये है क्या मसला, क्या है इसका? मसला ये है कि ये मेरा जो जगह है, मेरे पास फाइल है, मेरी फाइल है, इन्होंने ना सुराख करके कमरा बना लिया दो नंबर तरीके से। अच्छा, दो नंबर तरीके से बना दिए इन्होंने? हाँ, मेरे पास बाउंड्री वॉल हुई हुई थी, इन्होंने दरवाजा की जगह पे दीवार खड़ी करी है, और अपने अच्छा। जो है अपनी दीवार तोड़ के इन्होंने जो है ना मेरा प्लॉट बना लिया। अच्छा जी, आपके पास भी कागजात है? बिल्कुल भाई, मेरे पास ही कागजात है। अच्छा, इनके पास भी कागजात है? इसके पास नहीं है कागजात, अगर होंगे भी तो दो नंबर है सारे, अगर हुए हैं भी तो। अच्छा, यार अभी तो आप चलो, आप एक काम करो ना, आप बोलो। मैंने पूरी अगर आप अखबार से ताल्लुक है तो मैंने पूरी न्यूज़ वगैरह बनाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अखबार पे चल भी रही है, मैं आपको भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह सैटेलाइट जब इस पे फैसला होगा, तो सैटेलाइट पे भी चलेगी इंशाल्लाह। हाँ, वो तो खैर मसला नहीं है यार, सैटेलाइट। और नदीम साहब के पूरे डॉक्यूमेंट, इनकी ऑडियो वगैरह सेव हुई हुई है, इनकी चार बातें आ रही हैं सामने, पहले ये इन्होंने बनाया है, ये बेच भी रहे थे, पूरी इनकी बयानात, इनके सारी चीजें मेरे पास सेफ हुई हैं। सलाम, क्या हाल है भाई? अल्लाह की बड़ी रहमत, दुआएं। भाई जान, शाहिद साहब बात कर रहे हैं आप? जी जी भाई। यार शाहिद साहब, आप अज्जद साहब को जानते हैं? अज्जद साहब, अर्शद साहब को आप बिल्कुल जानते हैं? अर्शद साहब को, अज्जद को? जी जी बिल्कुल। अर्शद कौन, ये बता दो पहले, कौन? अर्शद नहीं कह रहा मैं, अज्जद कह रहा हूँ, अज्जद। हाँ, अज्जद कह रहा हूँ, अज्जद।
ये बी ब्लॉक 10-3 में। हाँ अरशद नहीं है, अस्जद कह रहा हूँ, अस्जद अमजद, अमजद नहीं अस्जद, अस्जद। हाँ जी तो यार समझ नहीं आ रहा मोबाइल में, मैं थोड़ा दूर बैठा हूँ। अच्छा हाँ यार ये डबलिंग पेपर, डबलिंग पेपर लेके बैठे हैं ये, और कह रहे हैं हमने शायद, हमने शायद से ये खरीदा था मकान। यार कौन सा मकान, नंबर बताओ कौन सा मकान खरीद लिया। R49 B ब्लॉक जी, बी ब्लॉक 10-3 में। नहीं 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 नहीं, अच्छा झूठ बोल रहा है, अतीक और रहमान और आपका नाम ले रहा था मेरे भाई। 49 हमने किसी को दिया ही नहीं है। अच्छा 48 और 47 दिया हुआ हमने, 48 47 दिया हुआ है, 48 और 47 दिया अतीक भाई ने, अतीक और रहमान ने। अच्छा 48 किसको दिया ये पता करेंगे आप। 49 नहीं है कोई भी, 49 नहीं दिया हुआ किसी को भी, 48 तो दिया हुआ है ना, 48 और 47 दिया ठीक भाई ने। चलो ये तो बेहतरीन हो गया। अच्छा 48 क्या नाम है, 48 किसको दिया हुआ ये पता कर सकते हैं आप। अतीक भाई ने दिया, आपने नहीं दिया। अरशद भाई जी, अरशद भाई नहीं जमीन के। अच्छा 48 अब वो तो कह रहा है क्या नाम है, 48 क्या नाम है, हमने शायद सुई गैस वाले से लिया था। अरे भाई मैंने दिखाया था खाली उनको, अच्छा उन्होंने वो जमीन के मालिक है, बाप मेरे बाप की जो जमीन थोड़ी है वो दिया था। अच्छा भाई वो दो पेपर लेके, वेलफेयर के दो पेपर लेके ऐसे ही ना एमई जाली पेपर, डबलिंग पेपर लेके बैठे हुए ठीक है। अच्छा ये प्रॉपर्टी है मेरे ससुर की ठीक है, ये बता दे मेरे को कि आपने लिए, सुने जी जी, ये सन 2018 में लिए, सन 2018 से मकान बना हुआ है, आप 5 साल के बाद आ रहे हो तो अभी तुमको पता लगा कि ये मकान। अबे भाई बात सुनो इधर ठीक है, मैं वहाँ पे विजिट करता रहता हूँ, आप मेरा नाम पता करिएगा ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनवर है भाई। अच्छा अनवर मलिक, मेरा नाम अनवर है, और आप तमाम जितने भी ये वेलफेयर वाले जितने भी डॉन बैठे हुए ना उनसे पता करना ये मीडिया वाला अनवर कौन है। सुन लो ये 5 साल से बेचारे इन्होंने मकान बनाया हुआ, अतीकू रहमान से बात करें, वो है कंपनी। भाई अतीकू रहमान तो आता ही नहीं है कहीं उसकी FIR। अतीकू रहमान से मैं थोड़ी बात करूंगा, अतीक और रहमान से शाहिद भाई बात तो वो करेंगे ना यार, जो अज़हर साहब बात करेंगे ना। हाँ चले उनसे बात, उनसे बोलो उनसे मिले, वो आपका फैसला कर देंगे, वो मसला नहीं है, क्या समझे। किस कौन फैसला कर, फैसला कर लिया। नहीं मैं होकर आ गया, मैं मिलकर आ गया ना। किनसे मिलकर आओ? मैं मिलकर आ गया, अब इनको बोलो जो आपने तो आपका नाम ले रहा ना, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी है। इन्होंने बोला है सीधी बात है, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ ना यार सीधी बात। इन्होंने बोला कि शाहिद भाई हैं, शाहिद सुई गैस वाला, उन्होंने अतीक और रहमान ने वेलफेयर में मुझे दिलवाया था ये प्लॉट, और 49 नदीम साहब को दिलाया था ये, मुझे दिलाया था। मैंने मैं दिलवाया नहीं था, मैंने सामना करा दिया था। यार बात सुनो मैं आपको बताऊं, शाहबीक के मामला था होने वाले बहुत खराब, पहले से बहुत खराब हुए हैं, अब बहुत ज्यादा होंगे ना, कल से रिकॉर्डिंग होगी उधर। मैं तो वही तो बोल रहा हूं ना, आप उनसे बात कर लेते पूरे मन से, मैं उनसे बात करके तो बताता हूँ ठीक है। हाँ मैं सिर्फ आपसे ये पता करना चाह रहा था अज़हर, मेरी कल उनसे परसों उनसे बात हो गई है सनी प्लाजा समा टीवी के मेरे चैनल के बिल्कुल बराबर में ही ना, तो वो एक वेलफेयर के दो पेपर लेके बैठे हुए, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, 2011 के दिसंबर के महीने में ली थी मैंने ये जगह सही है। अरे मेरे भाई, और 2019 में वेरिफिकेशन हाँ मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता अभी इस वक्त, मैं अभी आपको अपना बता रहा हूँ ठीक है। चलो शाहिद भाई मैं करता हूं, और मैं अभी आ रहा हूँ शाहबेग में, साबिर दूध वाले इधर उधर सब जगह से सबसे मिलने के लिए है ना, तो अगर आप वहाँ पर होंगे तो मुझे बता दो, मैं आपसे भी मिल लूंगा, बेफिक्र हो जाना, उनसे बात करके आपको बताता हूँ मसला ठीक है। चलें ठीक है, हो गया कोई बात, कोई कुछ किसी से